नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रे अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति एक ऐसा कारोबार हो गया है जिसमें दिग्गज फिल्मी हस्तियां, मशहूर खिलाड़ी और बड़े अधिकारी तो अपना दाव खेल ही रहे हैं, साथ ही अब संतों का भी राजनीति में रुझान बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय संत कंप्यूटर बाबा हमेशा अपने कारनामों और बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। देश में लोकसभा का घमासान अपने चरम पर है और हर वर्ग और समाज अपने लिए टिकट की मांग कर रहा है। ऐसे में संत भी कहां पीछे रहने वाले हैं। जी हाँ, कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने दिल की बात कही। बाबा का कहना है कि मोदी जी ने जनता और संतों को अब तक मूर्ख बनाया है। साथ ही उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के जिस भी कोने से उन्हें लोकसभा का टिकट देंगे वो चुनाव वहीं से लड़ेंगे। इसके साथ ही भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए खुद को चौकीदार कहने वालों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। राम मंदिर के नाम से मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई और जनता जनार्दन 125 करोड़ जनता को, संतों को, सबको मूर्ख बनाया। मंदिर तो नहीं बनाया पर मूर्ख जरूर बना दिया। इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम गंगा साफ करेंगे, हम 370 हटाएंगे, हम 15-15 लाख रुपए जो है हर के खाते में जमा करेंगे, पर लगता है 125 करोड़ जनता ठगी से महसूस कर रही है। इसलिए अब जनता ने तय कर लिया, संतों ने तय कर लिया, हिंदुत्व ने तय कर लिया है कि हिंदुत्व के नाम से जो खा रहे थे, ये मंदिर के नाम से जो खा रहे थे, अब संत समाज, हिंदुत्व और 125 करोड़ जनता अब मोदी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया है, संतों को मूर्ख बनाया है। अब राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। दो दिन पहले आप दिख रहे थे, चीजें मिले, आपने गांधी जी का फोटो भेज किया, तो क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं, हम तो दिग्विजय सिंह का हम लोग जो है प्रचार प्रसार करेंगे और साथ में कांग्रेस का भी मध्य प्रदेश अपितु पूरे भारत में प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि इनकी तोड़ जो इनको घर बैठाने में कांग्रेस ही सक्षम है और पार्टी तो सक्षम है नहीं, इसलिए हम लोग कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। यदि मोदी जी को फिर जता दिया तो मुझे लगता है जनता को भी चौकीदार बनाएंगे, ये लॉर्ड गवर्नर नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही है, चौकीदार चोर है, क्योंकि सोचा था ये चौकीदार चौकीदारी करेगा भारत की, पर आपको मालूम है कितने लोग बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, चौकीदार ने चौकीदार ठीक से नहीं करी, इसलिए अब दूसरा चौकीदार रहेगा, चौकीदार को अलग करेंगे। धन्यवाद। उज्जैन से मयंक गुर्जर के साथ रुपेश तिवारी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।